नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर का सर्वाधिक लोकप्रिय और एक मॉडल बन चुका विद्यालय में हम मौजूद हैं। दरअसल आज विशेष दिन माना जा रहा है। मामला ये है कि आज तमाम बच्चे काफ़ी अरसे के बाद, जब कोरोना काल के बीतने के बाद, अपने विद्यालय आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं और बच्चे बहुत चहक भी रहे हैं। बच्चों के साथ उनके जो टीचर्स हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनको भी बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है बच्चों से दोबारा मिलने का। मैडम, आपका स्वागत है टीवी 100 में। ये बच्चे जो इस बार आए हैं, तो उनको काफ़ी गाइड करना पड़ता होगा, क्या हिदायत दे रही है बच्चों को? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चों का तो एकदम ही नया एडमिशन हुआ है, तो बच्चों की तो पहले थर्मल स्कैनिंग की गई और बच्चों को बताया गया कि कैसे आपको स्कूल में रहना है और कैसे फिर आपको दूर दूर बैठना है, मास्क का प्रयोग करना है। जिनके पास मास्क नहीं था, उन्हें मास्क भी दिया गया। इसी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। ये कौन से क्लास के बच्चे आना शुरू किए हैं अभी? 24 अगस्त को तो कक्षा 6 से 8 का खुल गया था, आज कक्षा 1 से 5 का खुला है। 5 महीने बाद बच्चे स्कूल आना शुरू किए। ओके, ठीक है। ये वही विद्यालय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तमाम बच्चे हैं, कितने अरसे के बाद, काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज यहाँ आए हैं और कितना चहलकदमी है, कितना उत्साह है बच्चों में। बच्चे बराबर अपने यूनिफॉर्म में हैं, ड्रेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद टीचर्स देखिए किस तरीके से उनको गाइड कर रही हैं। उसके बाद अपना समय से भोजन, विद्यालय में जो व्यवस्था है उसका उम्दा व्यवस्था देखा जा रहा है और अब पूरे फील्ड का भी आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यापक भी हैं। सर, आप बताएं कि ये जो अभी जो माहौल दिख रहा है, उसको देख के क्या आप लोगों के अंदर भी एक उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है? जी, बहुत उत्साह है और बच्चे तो अभी अपने स्वाभाविक तरीके से ही विद्यालय आ रहे हैं, लेकिन उनको बराबर कोविड के नियमों का, प्रोटोकॉल का ध्यान दिलाया जाता है कि उसको पालन करते हुए सुरक्षित रहें। और शिक्षा भी हम लोग उसी तरीके से दे रहे हैं, थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के अलग अलग कक्षाओं में बैठा के, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के कि जब भी किसी से कोई चीज़ लेन देन करें या मास्क लगाएं तो हाथ को प्रॉपर धुल लें, मास्क का इस्तेमाल करें एक दूसरे से बात करते समय। और पढ़ाई धीरे धीरे, वो जो चीज़ें उनसे काफ़ी दिन से दूर हो गई हैं, उसको पटरी पर लाने के लिए हम लोग फिर से बच्चों को माँज रहे हैं कि ताकि उनको ये जो भी चीज़ें वो भूल चुके हैं या आदत में नहीं है, वो दोबारा वो सारी चीज़ें अपनी कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ और भी इस विद्यालय की टीचर्स हैं। मैडम, आप बताइए कि क्या, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या बच्चों में कुछ कमी आई है या उसी तरीके से बच्चे आ रहे हैं? आज पहला दिन है तो बच्चे तो बहुत संख्या में, जो हम लोगों ने उम्मीद की थी कि आज जानकारी भी ना होने से कम आएंगे, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं। और इतने दिनों बाद खुला है तो वो भी उत्सुक है कि आए हम पढ़ाई करें, अपने दोस्तों से मिलें, इसलिए बहुत अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद। मैडम, विद्यालय का नाम क्या है और क्या आप बच्चों के गार्जियन को भी कोई जो है संदेश देना चाहती हैं? विद्यालय का नाम है कंपोजिट रानी स्कूल, रानी कर्णावती जूनियर हाई स्कूल। हम लोग बस बच्चों के पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बच्चों को नियमित स्कूल भेजिए, विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखिए और बच्चों को कोरोना से कैसे बच के रहना है उसके बारे में घर में भी उनको हमेशा सतर्क रखिए। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विद्यालय आज बिल्कुल चहक उठा है, विद्यालय परिसर आज अपने पूरे शबाब पर दिखाई दे रहा है, शायद इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा रही है कि कोविड को जो है नियंत्रित करते हुए जो लोग हतोत्साहित हो चुके थे, घबरा चुके थे, वो देखिए किस तरीके से, देखिए ये बच्चे मास्क लगाए हैं, देखिए ये बच्चों की जो अवेयरनेस है, इस बच्चे ने भी, बच्ची ने भी मास्क लगा रखा है, इसने भी मास्क लगा रखा है। तो जिस तरीके से एक संदेश है कि हमको कोरोना के साथ रहना भी है, सारे काम को करते रहना है, किसी काम में बाधा उत्पन्न नहीं होना है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बेहतर नज़ारा है और दूर तक एक संदेश है। ये बड़ों को भी संदेश दे रहे हैं ये बच्चे, खासतौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से हम, जब बच्चे मास्क का प्रयोग कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस विद्यालय की यही खासियत है कि एक ही संदेश सबके लिए है और पूरा अक्षरशः पालन करने रखने की जो प्रवृत्ति है वो निसंदेह यहाँ के अध्यापकों के ऊपर इसका श्रेय जाता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए
वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।